हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10A का है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो इसमें क्या करना है, सब में देखो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। एसपी दिया हुआ है, कुछ में गेन है कुछ में लॉस है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। एसपी दिया है आपका 1596 और गेन दिया है आपका 12%। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को फॉर्मूला, ठीक है, तो निकालना है सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सीपी का आपका फॉर्मूला जो है वो है 100। ठीक है, इसमें आपका गेन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे 100 प्लस गेन परसेंट और इनटू हो जाएगा यहाँ पर एसपी। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है, 100 है क्वेश्चन में, आपका गेन परसेंट जो है 12 है, तो यहाँ 100 प्लस 12 कर दोगे और ये जो एसपी है वो 1596 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको बच्चों क्या करना है, हम लोग को आगे सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले देखो ये नीचे तो ऐड कर लेते हैं, हम लोग ऐड करेंगे तो 112 आएगा, यह 100 हो गया, यहाँ आ जाएगा आपका 1596। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 25 टाइम में कट जाएगा। और इसको आप 4 से करोगे तो 28 टाइम में कटेगा। ठीक है, अगर बच्चों आप क्या करते हैं, हम लोग इसको 4 से फिर डिवाइड करते हैं, 7 ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो कट जाएगा आपका 399। अब ये जो 399 है आपका 7 से कटने वाला है, 7 इसको डिवाइड कर दो 7 से, किया जाएगा 57। अब यहाँ जो बचा बच्चों क्या है, 25 × 57, इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज आंसर आएगा आपका 1425। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जो इसका दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट में क्या दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है एसपी, ठीक है, 2431 एंड लॉस है आपका 61/2%। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका दूसरा कर रहे जा रहे हैं, दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट में जो है फॉर्मूला आप लिखेंगे पहले सीपी या 100, यहाँ क्या है पहला में जो हम लोग लिखे थे 100 प्लस गेन लिखे तो लॉस है, तो इसमें आपको माइनस लिखना है इनटू एसपी। तो बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, और बहुत सारे क्लास के वीडियो डाले हुए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको क्या करना है, 100 हो गया यहाँ, ठीक है, यह 100 लॉस हम लोग का है जो 61/2, ठीक है, परसेंट है, और ये एसपी जो है 2431 है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, ये 100 आप रहने देना, यहाँ यहाँ क्या करोगे 100 × 12 × 13/2 हो जाएगा × 2431। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ये 100 हो जाएगा यहाँ, ये आप एलसीएम ले लोगे 2, ठीक है, यहाँ 200 आ जाएगा −30 × 2431 आ जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, × 2431, और नीचे 230 माइनस करोगे आप तो ये बच जाएगा आपका 187 बचेगा। ठीक है, 187 आए। तो बच्चों ये तो कोई चीज़ से कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट यदि डिवाइड करते हो इसको, इसको डिवाइड करके देखो तो 13 बार में पूरा पूरा कटेगा, तो 13 × 2 हो जाता है आपका 26 और 20 यहाँ लगा देना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है दूसरा दो पार्ट जो है उसको भी फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और जो दो पार्ट है देखो उसका क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो दो पार्ट है देखो यहाँ क्वेश्चन आपका यह है 3rd नंबर। ठीक है, एसपी
रुपीज है आपका 657.60, लॉस है आपका 4%। तो बच्चों डाउट रहता है तो लाइव क्लास के लिए भी आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट व्हाट्सएप में भी कर सकते हो और यूट्यूब में भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम है बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला लिख लेना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन थर्ड उसका देखने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड में लॉस है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है हम लोग का लिख लेते हैं पहले, सी पी इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस, ठीक है, इंटू एस पी आप करोगे, यह 100 हो जाएगा बाय 100, लॉस है आपका 4% है, इंटू आपका ये 657.60 है लिख दिया हमने, 100 इंटू 657.60 लिख रहे हैं हम यहाँ, ये 96 हो जाएगा यहाँ बच्चों। और ये डेसिमल हटाए थे तो 100 लगा दिए तो ये कट जाए, ठीक है, कट गया। अब क्या करोगे बच्चों, देखो डिवाइड करते हम लोग चलते हैं एक एक करके, ठीक है। तो 96 को आप 4 से डिवाइड करो, 24 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 16440 आएगा 4 से डिवाइड करने से। इसको फिर आप 4 से करोगे तो 6 बार में आएगा, इसको करो तो देखो 4110, फिर इसको 6 से कर दोगे आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड हो गया 685। ये बच्चों जो आ गया ये हम लोग का 685, ये आपका रुपीज आंसर हो जाएगा। अब आगे का जो इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों देख लेते हम लोग तुरंत फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखो एस पी दिया है 34.40, गेन दिया है आपका 71/2%, तो गेन है। तो करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग चौथा पार्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोग का जो 3 नंबर है कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला काम क्या बच्चों, फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो 100 बाय क्या हो जाएगा, 100 माइ प्लस है, गेन है तो प्लस साइन, गेन इंटू एस पी कर देंगे आप, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन, गेन आपका 71/2% है, एस पी आपका दिया है 30.40, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 100, यह आ जाएगा आपका 15/2, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका 34.40 आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है बच्चों आपको, देखो तो हम लोग ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ, ठीक है। तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा नीचे आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा 200 प्लस 15 होगा, या 100 रहने देना, यहाँ 34.40 को हटा के 100 लगा देते हैं। अब बच्चों रूल के अनुसार ये 2 चल जाता है ऊपर, या 100 इंटू 2 और ये 3440 रहेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ आपका 215 रहेगा इंटू 100। तो बच्चों ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सीधे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, 4 5 से डिवाइड कर देते हैं, 43 में आएगा। इसको आप 5 से करोगे तो इसमें देखो 688 आएगा, प्राइम नंबर है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना इससे, तो 16 टाइम में चल जाएगा। आप 16 इंटू 2 कर दोगे तो 30 रुपीज जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।